कामठी विधानसभा क्षेत्र की जिस तरह से बात की जाए, जिस कामठी विधान क्षेत्र में जहां पर कई दिनों से घटनाक्रम चला था, उस घटनाक्रम को देखते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ जो यहां के नेता थे टेकचंदजी सावरकर, उन्हें उस कामठी विधानसभा की टिकट की गई। और यहां पर कल जैसे यहां पर काउंटिंग शुरू हुई, वहां पर जब देखा गया काउंटिंग में, तो काउंटिंग में जिस तरह से उतार चढ़ाव के समय चल रहा था, एक समय में टेकचंद सावरकर जी 11,000 मतों से यहां पर विजय प्राप्त हुए। एक बहुत बड़ी जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे साथ में टेकचंद सावरकर जी अभी हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, सीधे बात करते हैं और उनको विजय की पहले सबसे पहले बधाई देते हुए इस जीत का क्या श्रेय कहेंगे। तो चलिए मिलते हैं टेकचंद सावरकर सर, स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्धा पर। स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्धा पर। जिस तरह से एक बहुत सालों से आप बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर काम करे, जिला परिषद बोलिए या पंचायत समिति बोलिए, बहुत सारे चीज़ों से आपने एक करीबी कार्यकर्ताओं को देखा है और विश्वास पार्टी ने विश्वास करके आपको यहाँ का टिकट देकर आपने पार्टी पे विश्वास खड़े करके जीत हासिल की, क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? भारतीय जनता पार्टी का जो इश्यू है, कार्यकर्ता को बड़ा करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है, यहाँ कोई परंपरागत कोई इशू रहता नहीं। और मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, वरिष्ठ नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी साहब, माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुड़े साहब, इनको बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे 28 साल से सतत 24 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता उसका मान सम्मान करके आज मेरे को इस आमदार की टिकट दिए और जनता ने मेरे को चुन के लाने के लिए रात दिन मेहनत करके आज विधायक के रूप में मेरा चयन किया है। भाऊ, जिस तरह से देखा जाता है कि कार्यकर्ता में आप सीधा जाकर मतदाताओं से सीधा डोर टू डोर, विकास की बात की जाए, यहाँ के जो अपने पिछले टाइम के पालक मंत्री साहब थे उनके विकास कार्यों का यहाँ पर आपको भेंट मिला है पालक मंत्री के तौर से, विधायक के तौर से, क्या कहेंगे? ये बात सही है कि पूरे महाराष्ट्र में ये 5 साल के अंदर में चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब ने जो कार्य किए हैं, जो डेवलपमेंट किया है, और डेवलपमेंट के साथ साथ जो संगठन में लोगों के साथ जो पारिवारिक संबंध बनाए हैं, उसका मेरे को सबसे बड़ा फायदा मिला है। लोगों के दिल में है और बीच में थोड़ा गड़बड़ी थी कि हमारा कैसा होगा, मगर जब बावनकुड़े साहब मैदान में निकले और मैं भी निकला, तो लोगों को हमने आश्वस्त किया कि जो भी जिस लाइन से काम बावनकुड़े साहब ने इस मतदार संघ के लिए रखा है, वो लाइन से काम हम करेंगे। हम भी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, काम के बारे में, प्रशासन के बारे में हमको बहुत बड़ी जानकारी नहीं होंगी, तो भी अच्छी जानकारी है। मैं सभी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर में बावनकुड़े साहब ने जो सपना इस विधानसभा को सुजलाम सुफलाम और डेवलपमेंट का सपना देखा है, वो पूरा करने के लिए उनके नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री साहब के, फडणवीस साहब के नेतृत्व में, गडकर साहब के आशीर्वाद से चंद्रशेखर बावनकुड़े जी का सपना हम पूरा करेंगे और ताकत के साथ पूरा करेंगे। जनता के साथ हम डायरेक्ट संबंध रख के जनता को कोई नाराजगी का मौका हम देंगे नहीं। मोदा विधानसभा की बात की जाए तो धानला गांव से आप आते हैं, एक बहुत छोटा है किसान वर्ग यहाँ रहता है, एक पूरे महाराष्ट्र में कामठी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पूरे भारत पूरे महाराष्ट्र में एक अच्छे विधानसभा के तौर पर उन्हें देखा जाता है और कई विकास कार्य इस यहाँ पर हुए हैं, तो कैसा लग रहा है इस छोटे से गांव से आप विधायक हो चुके हैं, आज महाराष्ट्र में विधायक के नाम पर टेकचंद जी सावरकर का नाम है, क्या कहेंगे? देखिए, आदमी का जन्म कहाँ होगा कैसा होगा ये तो अपन बोल नहीं सकते, मगर जो कर्तव्य की भावना है, काम करने की भावना है, पार्टी के साथ जो डिवोशन की भावना है, उस सभी में अपन खड़े उतरे हैं। मेरा गांव जरूर छोटा है, मगर हमने गांव को भी अच्छा किया है, गांव के नाम को अच्छा किया है। और मैं सभी इस कार्य में मेरे को जिन लोगों ने साथ दिया है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ताकत के साथ मेरा विरोध किया उसका भी मन से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जहाँ सत्ता है वहाँ विरोध जरूरी है। जब तक विरोध का भावना कुछ कार्यकर्ता करते नहीं, तब तक अपने को भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं आता। इसलिए मैं 5 साल के अंदर में सभी का साथ, सभी का विकास और सबका विश्वास, ऐसी सब भावना लेके मैं काम करूँगा।
ये गांव छोटा जरूर है मगर गांव में पूरे राजकारणी लोग रहते हैं। और आज इस विधानसभा क्षेत्र में इस गांव का नाम इस महाराष्ट्र में गया है। मैं यही दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी मेरे विरोध में लोग थे मेरा साथ दे और इस एरिया का विकास करने के लिए सब मिलके अपन काम करेंगे। और लास्ट सवाल, इस जो पूरे आपकी जो 12,000 वोटों से आपने जैसे यहाँ पे जीत दर्ज की है, इसका पूरा श्रेय आप किसे दिए? इसका सबसे बड़ा श्रेय चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब को, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था उस संगठन को है, और सबसे बड़ा नागपुर ग्रामीण इलाके से अपने को बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी लीड मिली है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कामठी शहर ने भी सबसे बड़ी आज तक के इतिहास में जो बीजेपी को लीड रहती थी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पिछले टाइम से भी कामठी विधानसभा क्षेत्र में कामठी में है। और कामठी नागपुर ग्रामीण महुदा और कामठी शहर कामठी ग्रामीण सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब का आशीर्वाद और प्रेम और मार्गदर्शन हर टाइम मेरे साथ रहेगा, ऐसी अपेक्षा। और दिग्गज जितने भी बहुत सारे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, दिग्गज है, बहुत सारी दिग्गज ऐसी सीटें हैं जिसकी गिर गई, लेकिन आपने बीजेपी का झंडा ऐसा गाड़ दिए हैं चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब के नेतृत्व में, जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 15 साल में इस बीजेपी का झंडा इस मोदा विधानसभा क्षेत्र से हटाएगा। लास्ट सवाल क्या रहेगा? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में मेरे लाइफ में भी मैं जहाँ जहाँ लड़ाई लड़ा, स्टार्टिंग जिस दिन मेरी राजकारण की हुई उसी दिन मेरे को चमत्कार दिखा। मैं ईश्वर चिट्ठी से चुन गया। मेरी मिसेज जब जिला परिषद की अध्यक्ष बनी तो 2.5 साल का प्रोग्राम था सब, तो 5 साल मिले, ये भी चमत्कार है। मैं टिकट नहीं मांगने के बाद में भी आज पूरे देश में वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री, उस पार्टी की टिकट बगैर मांगे मेरे को मिलती है, तो ये मेरा सौभाग्य है और ये चमत्कार है। ऐसे चमत्कार कई होते रहेंगे, हम कार्यकर्ता को लेके काम करते रहेंगे। और इस एरिया का जो भी सपना लोगों ने देखा है कि हमारा विकास हो जाए, वो विकास हम करके रहेंगे, ये हमारा वादा है, काम करेंगे। हम कार्यकर्ता है, नीचे बैठो बोले नीचे बैठेंगे, साथ में बैठो बोले साथ में बैठेंगे, हमको कोई बड़प्पन की जरूरत नहीं है। हम जिस दिन से कार्यकर्ता करके काम में आए हैं और आज तक हमारा जैसा हुलिया है, जैसा काम है, जैसी रहन सहन है, कोई बदली नहीं और बदलेंगे भी नहीं, ये हिसाब से हम काम करें। भाव लॉर्ड बुद्धा चैनल से जो आपने दिल खुल के बात की और आप आने वाले विधायक होकर, उसके लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी आपके लिए बधाई देता है और धन्यवाद आपने जो लॉर्ड बुद्धा टीवी से अपने कीमती समय देकर बात की। धन्यवाद, मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भी भला, और मैं लॉर्ड चैनल का या हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद दर्शकों, कामठी मोदा विधानसभा क्षेत्र की जिस तरह से घटनाक्रम को देखा जाए, यहाँ पर बावनकुड़े साहब के नेतृत्व फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने टेकचंद सावरकर को विधायक बनाया है। टेकचंद सावरकर जी का सपना है कि 5 साल में बहुत सारे कामों को इस क्षेत्र में लाकर, माननीय टेकचंद सावरकर जी का एक सपना है कि इस यहाँ पर जो 5 साल में बहुत सारे काम लाकर माननीय चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब के जो विकास कार्यों की गति ऐसी ही रखेंगे। आने वाले समय में टेकचंद सावरकर जी इस विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छा विधानसभा क्षेत्र करेंगे, ऐसी उन्होंने बात की। तो दर्शकों, हम लोग आए थे टेकचंद सावरकर जी जो विधायक हो चुके हैं कामठी मोदा विधानसभा क्षेत्र के, उनसे एक खास बातचीत हमारे लॉर्ड बुद्धा चैनल के विशेष कार्यक्रम में की। चलिए एक और नए विधायक के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक के कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, लॉर्ड बुद्धा टीवी मोदा।